नमस्कार दोस्तों, आप एक चैनल में माधव ऑटो ज्ञान में हम मारुति की ब्रेजा लेके आ गए, जो पेट्रोल वेरिएंट से मारुति ब्रेजा एक नहीं आपको मिलती है पेट्रोल डीजल ऐसे तमाम सारे फीचर्स के साथ में। 2024 में क्या अपडेट किया गया है एलईडी लाइट से, फंक्शन से, सीएनजी, पेट्रोल डीजल क्या क्या इसके वेरियंट्स में बदलाव किए गए हैं। टोटल्स आपको 10 मॉडल्स मिलते हैं इसमें, VXI, LXI, मतलब आप तो जानते हैं मारुति जो अपने प्रोडक्ट में क्या क्या जाने डालती है। आज आपको इस वीडियो के अंदर तमाम सारे फीचर्स के साथ अपडेट के साथ में हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं। और यहाँ पे आप इसके प्रोजेक्टर बल्ब देख सकते हैं, जहाँ पे DRL LED लाइट का ऑप्शन दिया गया है और ग्लम्स लाइट को अपडेट किया गया है। यहाँ पे आपको मारुति का लोगो S मिलता है। आप विटारा की बात करें, जो ग्रैंड विटारा है उसी की तरह इसको एक छोटा मॉडल एक बड़ा मॉडल अपडेट किया गया है। ये आपके सामने पेट्रोल वेरिएंट है, जहाँ आपको 4 सिलेंडर मतलब 4 पिस्टन के साथ में प्रोवाइड किया गया है। 1462 cc का इसका इंजन है पेट्रोल के साथ में विदाउट टर्बो के साथ। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर मिलती है 164 PHP के साथ में, जहाँ पे आपको 6000 RPM के साथ प्रोवाइड किया गया है। टॉर्क इसमें 136.8 Nm का टॉर्क मिलता है, जो 4400 RPM के साथ। फ्यूल टैंक से मिलता है इसमें आपको 48 लीटर्स पेट्रोल चार्ज एंटीना दिया गया है। ओवरव्यूम इसके मैनुअल और ऑटोमेटिक्स के साथ में भी दिए गए हैं, बट आपको कौन सा मॉडल लेते हैं तो यहाँ पे आपको डोर वाइजर के ऊपर मैनुअली लॉकिंग सिस्टम वाला भी ऑप्शन दिया गया है। और आपको फ्यूल यहाँ पे कंट्रोल स्विच दे रखे हैं, जो इस गाड़ी को विंडोज अपग्रेड करने के लिए ऑप्शंस में। यहाँ पे आप बोनेट पेट्रोल का ऑप्शंस और यहाँ पे कुछ लाइटें और यहाँ पे आपको AC के विंडोज, मतलब इंटीरियर के भी अंदर काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स को इंस्टॉल किए गए हैं जो आप आसानी से इसमें ऑपरेट कर सकते हैं मैनुअल एंड डिजिटल के साथ में। तो आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको स्टीयरिंग इसका हेलीकॉप्टर स्टीयरिंग मिलता है। और यहाँ पे कैबिन्स के अंदर की बात करें, ओवरबीएम्स देख सकते हैं पीछे से आने वाले ऑप्शंस के साथ। यहाँ पे आपको मैनुअल ऑप्शंस मिलते हैं AC के और मैनुअल गियर के साथ में प्रोवाइड की गई है। फुल ऑटोमेटिक के साथ में भी ये मॉडल आप परचेस कर सकते हैं। कप होल्डर्स और यहाँ पे आप रियर साइड सीट में ऑप्शंस देखते हैं, जैसे डोर में घुसते से ही यहाँ पे आपको मिलता है बॉटल्स के रखने की सुविधा। और यहाँ पे 3 जने काफ़ी कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। रियर विंडोज AC भी दे रखी है, मतलब एक मारुति ब्रेजा के अंदर ये चीज़ें होना XUV मॉडल्स के अंदर काफ़ी लाभदायक है। और यहाँ पे आपको कुल 1210 kg का यहाँ पे फुल वेट दे रखा है। यहाँ पे व्हील बेस की बात करें तो 2500 mm का दिया है। और मैक्सिमम जो इसमें माइलेज मिलने वाला है दोस्तों पर लीटर के साथ में, तो 20 का कंपनी का वादा है। 4 इसमें एयरबैग्स मिलते हैं। 360 डिग्री का इसमें आपको कैमरास भी प्रोवाइड किया है 5 सीटर के साथ में। और जो मार्केट वैल्यूज की बात करें, जैसे प्राइस की, तो प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 11 लाख से 13 लाख के ऑप्शंस पे ये मिल सकता है। बूट स्पेस आपका काफ़ी बड़ा दे रखा है, जिसमें आपको 328 लीटर का बूट स्पेस इसमें प्रोवाइड किया गया है। तो मारुति ब्रेजा आप देख सकते हैं एक बेहतर फीचर्स, टेल लाइट के ऑप्शन भी काफ़ी LED के साथ में ऑप्शन दिया है, जो नाइट में काफ़ी इसकी विजिबिलिटी प्रदान करता है। बम्पर भी यहाँ पे पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, बम्पर के ऊपर भी एक नहीं चार चार मिलते हैं।